नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंबर और अवतार स्टडी। जैसा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्रवेश परीक्षा में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो आज का वीडियो इसी पर है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आपको क्या नहीं लेके जाना है। तो दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित समग्र जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते हैं ये वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट या फिर सामग्री लेके जाना है। तो दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही, तो आप एडमिट कार्ड नंबर वन पे आपका एडमिट कार्ड है, आप अपने एडमिट कार्ड को अपने साथ में लेकर जाइए। और नंबर दूसरा जो है उसमें 2 से 3 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का आपका होना चाहिए, 2 से 3 फ़ोटो होना चाहिए। हालांकि इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपसे फ़ोटो मांग लिया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास 1-2 फ़ोटो है, गिर गई कहीं, तो कम से कम 2-3 होना चाहिए या ख़राब हो गया, तो इसलिए आप 2 से 3 फ़ोटो लेकर जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 की हम बात करें तो इस पे आता है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड से संबंधित आपके पास जितने भी आईडी हों उनमें से आप किसी को भी लेकर जा सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक हो गया। उसके बाद हम देखें तो आपके स्कूल या कॉलेज की जो आईडी है आप वो भी लेकर जा सकते हैं, और बहुत सारे अभी आईडी हैं जिन्हें आप लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा नंबर 3। अब चौथे नंबर की बात करें तो आपको जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है वो है बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन नीला या काला होना चाहिए और किसी रंग का नहीं होना चाहिए, केवल नीले या काले रंग का होना चाहिए। दोस्तों, बॉल पॉइंट पेन ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पेन जो है वो जल्दी से सूख जाता है और आपका जो सर्कल बना होता है जिसे आप जो है ब्लैक करते हैं उससे बाहर ये नहीं जाता है। अगर आप कोई जेल पेन यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो वो जेल पेन क्या होगा कि आपका सर्कल बनाने के बाद जो है वो बाहर हो सकता है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो आंसर होगा वो आंसर रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि फैल सकता है, इसलिए अगर कंप्यूटर महाशय जो है उसको चेक कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है कि आपका कंप्यूटर में लेता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप बॉल पॉइंट पेन ही यूज करें। अच्छा, तो ये थी हमारे जो चीज़ हमें लेकर जाना था। अब हम बात कर लेते हैं आवश्यक सूचना की। तो आवश्यक सूचना क्या है दोस्तों, कि आपके पास पेपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देखें या इलेक्ट्रिक उपकरण, तो ये सब जो डिवाइस हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस, जैसे कि अगर हम देखा जाए तो ये कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट घड़ी हो गया, ब्लूटूथ हो गया इत्यादि, आपके पास ना हो, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास मिलती है तो दोस्तों आपको परीक्षा से निलंबित भी किया जा सकता है और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इन सभी बातों को समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके होंगे तो क्या क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है, इन पर आप ध्यान से गौर करें। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तथा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।